नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत झालेल्या विविध गुन्ह्यात आरोपींकडून हस्तगत करण्यात आलेल्या 5,41,27,683 इतक्या किमतीचा मुद्देमाल आमदार गणेश नाईक, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार महेश बालदी आणि पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते फिर्यादींना सुपूर्द करण्यात आला आहे. वाशी येथील सिडको ऑडिटोरियम आणि एक्झिबिशन सेंटरमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमात जानेवारी 2022 ते जुलै 2023 पर्यंत नवी मुंबई पोलिसांनी मालमत्तेविरोधातील गुन्ह्यात आरोपींकडून हस्तगत करण्यात आलेले 2,09,23,384 इतक्या किमतीचे सोने आणि रोख रक्कम 74 फिर्यादींना तर 3,32,04,099 इतक्या किमतीचे वाहन, मोबाईल आणि इतर सर्वसाधारण मुद्देमाल 174 फिर्यादींना असे एकूण 248 फिर्यादींना 5,41,27,683 किमतीचा मुद्देमाल परत करण्यात आला आहे. यावेळी पोलीस सहआयुक्त संजय मोहिते, अप्पर पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे, पोलीस उपआयुक्त अमित काळे, परिमंडळ 1 पोलीस उपआयुक्त विवेक पानसरे, परिमंडळ 2 पनवेल उपआयुक्त पंकज डहाणे यांच्यासह नवी मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदार उपस्थित होते. आज नवी मुंबई पुलिस ने जो क्राइम्स में जो मुद्देमाल रिकवर होता है, जो चोरी का मुद्देमाल आरोपियों को पकड़ने के बाद रिकवर करती है पुलिस, उसका विक्टिम्स को वापस करने का, हस्तांतरण करने का आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, जिसमें 250 के करीब विक्टिम्स को अराउंड 5.5 करोड़ रुपए का मुद्देमाल हमने यहाँ पर लौटाया है. सन्माननीय चार आमदार नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय इनके ज़रिए ये मुद्देमाल हस्तांतरण का कार्यक्रम यहाँ पर किया हुआ है. इसमें लोगों की मंगलसूत्र, चेन्स, गोल्ड चेन्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स या फिर फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, इस टाइप का जो भी मुद्देमाल या और भी प्रकार का जो भी प्रॉपर्टीज़ रिकवर की है आरोपियों की ओर से, आरोपियों को पकड़ने के बाद, वो सब इन विक्टिम्स को कोर्ट की परमिशन के बाद इनको लौटाया है. हमारी कोशिश रहेगी नवी मुंबई में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाएं और लोगों में भी जन जागृति फैलाए, ताकि कम से कम लोग इस टाइप के ऑफेंसेस को विक्टिमाइज़ हो और एक सुरक्षित और ज़्यादा सुरक्षित वातावरण की निर्मिति हम कर सकें. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.